जब हमें किसी प्रमाणिक गुरु का संग मिल जाता है, शुद्ध वैष्णव का संग मिल जाता है, तो हम अति शीघ्र उन्नति करते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको जब जिस दिन से एक प्रमाणिक गुरु का संग मिलता है उसी दिन से हमें यम और नियम मिल जाते हैं। उसी दिन जिस दिन हम दीक्षा लेते पहले ही हमको पता होता है क्या करना है, चार नियम का पालन करना है। और चार नियम कौन कौन से हैं? मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलनी, नशा नहीं करना, अवैध यौन संग नहीं करना। अगर ये चार कार्य हम करते हैं और खुद को फिर भी भक्त बोलते, उनमें से कोई भी कार्य करते, तो उसको कभी भी ना गुरु स्वीकार करेंगे ना ही भगवान स्वीकार करेंगे। और ये सब क्या है? यम। यम का मतलब क्या होता है? जो आप करोगे और यम के डंडे खाओगे, फिर भगवान के पार्षद नहीं आएंगे। यम का मतलब होता है जो डंडा लेके आएगा, नालायक तुमको गुरु महाराज मिले थे फिर भी तुमने ये अपराध नहीं छोड़े, तो फिर आपको ना गुरु की कृपा मिलने वाली है और ना ही कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। गुरु ने जो बोला है, एक साधक का एक कर्तव्य है, गुरु जो बोले उसमें कभी भी खंडन नहीं होना चाहिए। गुरु बोले उसी टाइम पर कर दो, सोचने की जरूरत नहीं है, गुरु सोचेगा खुद ही। गुरु ने आदेश दिया है तो आपको करना है। गुरु बोले ना अगर जंप, तो आपको क्या बोलना है? हाँ, हाउ हाई, गुरु महाराज कितना ऊपर से फेंकना है मुझे, मरने के लिए तैयार हूँ, जंप करूंगा, मर जाऊंगा, बोला बताओ कौन से फ्लोर पे जंप, मारने के लिए जंप, मरने के लिए तैयार हूँ, मरूंगा देखा जाएगा, गुरु आदेश का पालन करना बस। तो इतना तीव्रता के साथ गुरु के दिए हुए नियम को पालन करना है, और साथ में यम को पालन करना। और नियम कौन सा है? सोलह माला का जप करना। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को बहुत बहुत ज्यादा सीरियस होना है इन कार्यों में, जो यम और नियम है, क्योंकि इसी के द्वारा ही वो प्रगति करेगा।